बॉलीवुड के बादशाह कहें या किंग खान या कहें पठान, शाहरुख खान का राज बस देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चलता है। 4 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे SRK का अभी भी फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है। इतनी कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद भी पठान का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, बीती रात तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में पठान का ट्रेलर दिखाया गया था, जहां किंग खान को देखने के लिए दुबई में उनके चाहने वालों की भीड़ लग गई थी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर छाया पठान का ट्रेलर, SRK का जलवा देख झूम उठी दुबई की जनता। जी हाँ, बीती रात दुबई के बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान का ट्रेलर दिखाया गया था। इस दौरान खुद शाहरुख खान वहां मौजूद थे, जिन्हें देख फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर इस इवेंट की फोटोज और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रही है। कई वीडियोस में देखा जा सकता है कि शाहरुख खुद भी बुर्ज खलीफा पर दिखाए जा रहे पठान के शानदार ट्रेलर का मजा ले रहे हैं। इसके बाद वो बाहें फैलाकर अपना सिग्नेचर पोज करते भी दिखाई दिए। किंग खान का ये स्टेप देख फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ गया। शाहरुख का जलवा यही नहीं रुका, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि फिल्म पठान के गाने झूमे जो पठान में शाहरुख खान स्टेज पर खड़े होकर जबरदस्त डांस करते हैं, तो वहां मौजूद लोग हूटिंग करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के लेटेस्ट वीडियो काफी पसंद किए जा रहे हैं। वीडियो देख ऐसा कहा जा सकता है कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी शाहरुख की फिल्म पठान के रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूं तो किंग खान का दुबई से पुराना रिश्ता है, SRK का बर्थडे हो या कोई स्पेशल डे, बुर्ज खलीफा पर अक्सर शाहरुख को विश करते देखा गया है। बता दें कि फिल्म पठान से शाहरुख खान लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। फिल्म की खास बात यह है कि लंबे समय बाद किंग खान और दीपिका पादुकोण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। आखिरी बार ये जोड़ी साल 2014 में आई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साथ नजर आई थी। इसके अलावा फिल्म ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस में भी साथ काम कर चुके हैं। बता दें कि फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।